हे गाइस, तो आप लोग भी रियलिस्ट टाइप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं अपने पिक्सआर्ट और लाइटरूम के अंदर, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिनका फोटो एडिटिंग कर रहा हूँ उनका नाम है आदर्श सुरवे, टैटू आर्टिस्ट है, तो आप लोग उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और जिन जो फोटो मैंने एडिट किया है वो पिक्सआर्ट के अंदर मैंने क्रॉप कर लिया है पूरा, और जितना पोर्शन चाहिए था मैंने ले लिया है। तो यहाँ से 4x5 का बैकग्राउंड हम लोग ब्लैंक वाला ले लेंगे ड्रॉ टूल के अंदर, और ड्रॉ टूल में चले जाते पहले। तो ड्रॉ टूल में आने के बाद फोटो को कर लेंगे साइड में, लेयर पैनल को कर लेंगे ऑन, यहाँ से ऐड फोटो कर लेंगे जो हम लोग ने फोटो क्रॉप किया था पिक्सआर्ट के अंदर। जितना पोर्शन मुझे चाहिए था तो मैंने जो साइड का जो डिवाइडर था वहाँ का मैंने फोटो जो है इरेज कर दिया है, ताकि हम लोग उसमें बैकग्राउंड मैनिपुलेशन कर सके। तो आप लोगों को जितना पोर्शन चाहिए रहेगा तो उतना आप लोग ले लेना। तो मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि जो बैकग्राउंड हम लोग पीछे डाले वो काफ़ी अच्छी लगे। तो मैंने कुछ इस हिसाब से बिठा लिया है। अब यहाँ से मैं एक एम्प्टी लेयर ले लेता हूँ और मॉडल के नीचे ले लूँगा, फिर यहाँ से ऐड फोटो कर लूँगा और यहाँ से चले जाऊँगा। जो बैकग्राउंड चाहिए हम लोग को वो बैकग्राउंड हम लोग ऐड कर लेंगे। तो आप लोग एकदम सिंपली है ये, आप लोग को ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग ने बैकग्राउंड ले लिया है, तो डिवाइडर के हिसाब से आप लोग बैकग्राउंड मैनेज कर लेना। और डिवाइडर है तो आप लोग मतलब नॉर्मली कैसे भी आप लोग फोटो खिंचा सकते हो। तो ये फोटो जो है वो DSLR से निकाली हुई फोटो है, तो आप लोग मोबाइल से भी क्लिक करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ने बैकग्राउंड ले लिया, तो ये फोटो काफ़ी जम रही है, तो मैं कर देता हूँ अभी मॉडल को डिलीट, ठीक है, ताकि हम लोग को जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको ब्लर करना है, ताकि जो है हम लोग का मॉडल फोकस में आ जाए। तो यहाँ से मैंने कर लिया है डिलीट, फिर यहाँ से राइट कर लेंगे और चले जाएंगे इफेक्ट टूल के अंदर। तो मैंने इफेक्ट टूल में चले गया, यहाँ से ब्लर टूल में सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से जो लेंस ब्लर है हम लोग को लेंस ब्लर ले लेना है। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिखती रहेगी, तो लाइटनेस को कर देना एकदम जीरो। और अगर आप लोग को चाहिए तो अगर आप लोग बोके इफेक्ट डालना चाहते हो तो उसमें आप लोग बोके इफेक्ट ले सकते हो। तो मैंने इसको 7 कर लिया, फिर राइट कर लेता और चले जाऊंगा वापस से ड्रॉ टूल के अंदर। यहाँ से फिर से कर लूंगा लेयर पैनल को ऑन, फिर यहाँ से ऐड फोटो कर लूंगा, और जो हम लोग ने ऑलरेडी जो काट के रखा था फोटो वो हम लोग वापस से ऐड कर लेंगे, क्योंकि ड्रॉ टूल में ब्लर का ऑप्शन आता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को मॉडल को डिलीट करना पड़ा। तो आप लोग वापस से इसको ले लेना लेयर पैनल में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एकदम परफेक्ट बिठा लिया है, फिर यहाँ से आप लोगों को कुछ करना नहीं है, फिर एक एम्प्टी लेयर ले लेना है, फिर यहाँ से एक ऐड फोटो करना है, और जो यही फोटो है उसके जो नीचे का आप लोगों को स्ट्रीट दिखता रहेगा, यानी कि जो आप लोग का फ्लोर हो गया वहाँ से इतना ले लेंगे हम लोग। तो जितना आप लोग को चाहिए आप लोग उतने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, और फिर यहाँ से जो है आप लोग का जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ का जो आप लोग का रोड है उसको चेंज करने के लिए आप लोग को ये बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ताकि जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके साथ ये एकदम परफेक्टली मैच करे। तो मैं यहाँ से थोड़ी ऑपेसिटी कम कर लेता हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा जो डिवाइडर पे और जो मॉडल के शूज़ पे आ रहा है उसको हम लोग इरेज करेंगे। तो यहाँ से मैंने इरेज का ब्रश ले लिया है, साइज़ को मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि मैं इसको एकदम ईजिली इरेज कर सकूँ। तो इरेज करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना कि रोड के इसमें मतलब आप लोग इरेज मत कर देना, आराम से इरेज करो, वीडियो को अच्छे से देखो, समझेगा, क्योंकि आप लोग इतने भी स्मार्ट नहीं हो, वरना आप लोग ये वीडियो नहीं देखते थे। अगर बुरा लगा तो माफ़ कर देना, बट जो सच है तुम लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो। तो ये पूरा वीडियो देखो, मैंने डिवाइडर को देखो एकदम सिंपली इरेज किया है ओपेसिटी को कम करके, तो आप लोग भी ओपेसिटी को कम करके इरेज करना। और जो जूते का पोर्शन है उसको आराम से इरेज करो, घाई मत करो, अगर गड़बड़ हो रही है तो अंडू का ऑप्शन दिया है यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे कि एक्स के ऊपर जो है लेफ्ट साइड में वहाँ पे एक राइट लेफ्ट साइड का एक आइकॉन दिया हुआ है, तो उस पर आप लोग करके अंडू कर सकते हो। तो आराम से करो, कोई घाई मत करो, और फोटो को एकदम परफेक्टली बनाओ। तो मैं यहाँ से जो है पूरा इरेज कर लेता हूँ जितना मेरे को करना है। तो आप लोग देख रहे हो कि मैंने एकदम आराम आराम से इरेज करो, तो आप लोग ऐसे ही आराम से इरेज करो। और कुछ अलग अलग टाइप्स के इसमें आप लोग को प्रीसेट मिल जाएंगे, लाइटरूम के एडिटिंग है, तो अगर आप लोग को अभी स्किप करना तो आप लोग स्किप कर सकते हो। तो यहाँ से जो है मैं एकदम सिंपली एकदम इजी करके आराम आराम से इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इरेज कर लिया, तो यहाँ से और भी जो सारे पार्ट है वो मैं हल्का हल्का करके इरेज कर ले रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने कर लिया है पूरा इरेज जितना मुझे मतलब इरेज करना था, ताकि ये डिवाइडर पूरा शो में आ जाए। और ये जो आप नीचे का जो फ्लोर देख सकते हो वो काफ़ी मतलब बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है। और यहाँ से जो है मैं और भी कुछ अगर यहाँ पे पार्ट छूट गए रहेंगे तो उसको मैं इरेज कर दूंगा। फिर यहाँ से लेयर पैनल को कर लेते ऑन, थोड़ा ऑपेसिटी इसकी बढ़ा लेते हम लोग, ताकि ये बैकग्राउंड का जो पीछे का बैकग्राउंड है उसके साथ मैच कर ले। और इसको हम लोग अगर चाहिए तो थोड़ा ब्लेंड करके देख लेंगे, ऑपेसिटी थोड़ा कम रखना। तो मैं यहाँ से ब्लेंड कर रहा हूँ, डार्किन कर लेता हूँ, ताकि मतलब हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें एकदम काफ़ी मैच हो जाए और बैठ जाए, ताकि एकदम रियलिस्टिक लगे।
तो यहाँ से एकदम परफेक्ट दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो कि पीछे के बैकग्राउंड के साथ जो है हम लोग का मैच हो रहा है। बस डिवाइडर थोड़ा बहुत आप लोग को लाइट दिखता रहेगा, तो उसके लिए भी एक तरीका है। तो आप लोग एक लेयर पैनल को ओपन कर लो, और यहाँ से जब आपका ओपन हो जाएगा तो एकदम नीचे चले जाओ, फिर एक ऐड फोटो कर लो। और ये जो बोके वाला इफेक्ट है आप लोग का, जो पीछे आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पे मतलब मिरर में वहाँ पे सब लाइट्स चालू है, यानी कि ये ऑफिस है। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना, स्क्रीन कर लेना बोके इफेक्ट को, और थोड़ा सा जो है यहाँ से हम लोग ऑपेसिटी को थोड़ी कम कर लेंगे ताकि वो बैकग्राउंड के साथ मतलब मैच हो जाए, क्योंकि बैकग्राउंड ऑलरेडी ब्लर है तो हम लोग को इसको भी फोकस में नहीं लाना है। हल्का सा हम लोग खाली ब्लर कर देंगे ताकि जो रियलिस्टिक का इफेक्ट है वो काफी अच्छा लगे। तो मैं जितने भी सारे बैकग्राउंड है उसको मर्ज कर लेता हूँ, फिर यहाँ से जो है लेयर पैनल को एक एम्प्टी लेयर ले लूंगा। फिर ये जो ब्रश की सेटिंग देख सकते हो, ये ब्रश की सेटिंग ले लेंगे, और ये जो आप लोग का डिवाइडर है तो यहाँ से हम लोग थोड़ा इसको डार्क करना चालू कर देंगे। ध्यान रखना कि ये बैकग्राउंड में ना जाए, आप लोग को सिंपली खाली उसी में पेंट करते हुए चले जाना है। थोड़ा डार्क होगा, लाइट होगा, चलेगा, बट ये बैकग्राउंड में जाने मत देना, वरना वो लाइट रूम में इफेक्ट चढ़ने के बाद काफी डिटेलिंग दिखेगा उसमें, तो उसका जरा ध्यान रखना। तो मैं यहाँ से खाली सिंपली पेंट करते हुए चले जाता हूँ, यानी कि इसमें थोड़ा ब्लैकिश और डार्क इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से एकदम मैं खाली इसको पेंट करते चले जा रहा हूँ। तो इसकी मैं पीएनजी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि कैसा डिवाइडर है, आप लोग कैसे में मतलब बैठोगे तो उसमें मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा, तो आप लोग इसको मैनुअली कर लेना। तो यहाँ से मैं खाली इसको पेंट करते हुए चले गया, और ये डार्क हो चुका है, मीन्स पहले से डार्क हो चुका है, और ये बैकग्राउंड के साथ मैच कर रही है। तो इसको मैं थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है कि इसको डार्क करने की ज़रूरत है। तो मैंने इसको डार्क कर लिया है, और यहाँ से मैंने इसको मर्ज कर लिया है। यहाँ से थ्री डॉट से मैं इमेज को सेव कर लेता हूँ, और एक बार गैलरी में रिव्यू देख लेंगे इसकी। तो आप लोग खाली ये पिक्सआर्ट में एडिट किया हुआ है तो उसको देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी एडिटिंग है। तो इसको हम लोग कर लेंगे अभी कलर ग्रेड लाइट रूम के अंदर, तो शेयर कर लेते लाइट रूम के अंदर और आ जाते लाइट रूम के अंदर। तो आ गए हम लोग गाइस लाइट रूम के अंदर। अगर आप लोग को चाहिए ऑटो इफेक्ट तो आप लोग ऑटो इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, अगर आप लोग को कुछ इसमें मैनुअली इफेक्ट करनी है तो आप लोग मैनुअल इफेक्ट कर सकते हो। इसमें आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप लोग को ये सब नहीं चाहिए तो इसमें मूडी ऑरेंज एंड टील का आप लोग को एक प्रीसेट मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग को कुछ करना नहीं है, इफेक्ट आराम से चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को ऊपर थ्री डॉट दिखता रहेगा, वहाँ पे आप लोग को थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, कॉपी सेटिंग करनी है, यहाँ पे सिलेक्टिव में ऑल कर देना है। ऑल करने के बाद आप लोग को राइट साइड में राइट का बटन दिखता रहेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। बाद में अपने फोटो पे जाने के बाद थ्री डॉट पे आप लोग को वापस से क्लिक करना है, और यहाँ पे पेस्ट का सेटिंग दिख रहा है। तो आप लोग जब पेस्ट कर दोगे तो इसमें आप लोग को फोटो दिख रहा है कि ऑलरेडी जो कलर है वो काफी चढ़ गई है अच्छी तरीके से। पर अगर आप लोग को ये फोटो में मतलब आप लोग की जो कलर है वो अगर नहीं चढ़ी है, आप लोग को अगर मैनुअली एडिटिंग करना है, समझो ये प्रीसेट चढ़ाने के बाद भी, तो आप लोग को इसमें कुछ मैनुअली सेटिंग्स करने होंगे जो बता दूं। और अगर आप लोग की अगर ऐसी सेम कलर चढ़ी है तो आप लोग रहने देना, अदरवाइज आप लोग इसमें इफेक्ट्स में चले जाना। इसमें कलर सारे मिक्स में बहुत सारे जो मैंने चेंजेस किए, तो आप लोग उस हिसाब से मतलब एडजस्ट कर लेना ताकि जो फोटो है आप लोग की बढ़िया दिख जाए। तो अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद आप लोग को जो ये गैलरी से सेव हुई जो इमेज है लाइट रूम से, वो आप लोग को मैं एक बार रिव्यू दिखा दूंगा। तो ये हम लोग का हो गया एक्सपोर्ट, तो हम लोग यहाँ से फोटो को देख लेते हैं। तो आशा करता हूँ गाइस आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।